उस 2005 के पहले जब इसी बिहार में कभी पटना से शासन चलता था और इसी बिहार में कभी जंगल राज का कार्यक्रम चल रहा था, उस दिन को भी याद कीजिए। और आज जब आपने अपने नेता और आपने अपने मुखिया सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आपने जब गद्दी पर बैठाने का काम किया, तो शासन आज ऐतिहासिक धरती मरामा से शुरू होने जा रहा है। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन, दो नल का जल सामने नजर आ रहा है। पता नहीं इस मलामा के धरती के लोग पहले से जमीन को सुरक्षित रखे हुए थे। हम जब आए तो देख रहे थे, ऐसे तो मलामा में एक बार नहीं अनेकों बार आने का मौका मिला, लेकिन इस जमीन पंचायत सरकार भवन के लिए सुरक्षित था यह मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एकदम चुना हुआ जमीन है। इसके लिए हम सबसे पहले किरण देवी जी को और अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि चारों तरफ गांव और बीच में पंचायत सरकार भवन। भाइयों एवं बहनों, हमारे बीच में माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी आपके सामने उपस्थित है। ये नालंदा के लाल नहीं बल्कि पूरे बिहार के लाल है। अपने मंत्रित्व में एक से एक काम उन्होंने करने का काम किया है, और खास करके पूरे जिला में जहां भी निमंत्रण होता है समय से नहीं बल्कि समय से पहले ही पहुंच जाते हैं, और आज भी 5 मिनट पहले पहुंच गए। हम जानकारी ले रहे थे कि 2 बजे समय है, 2 बजे में 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। हम तो सोच रहे थे कि समय से 10 मिनट लेट आवेंगे। हम लोगों की तरफ वर्षा हो रहा था और पता चला कि इधर वर्षा नहीं हो रहा है, 5 मिनट लेट आए। हम इसके लिए माफी चाहते हैं। भाइयों एवं बहनों, आज और आज के नालंदा के इस परिवेश में जहां के हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी का गृह इलाका है, और खास करके यह जो इलाका है हिलसा का इलाका, जनता दल यूनाइटेड के लिए एक महत्वपूर्ण इलाका है, और उसमें भी यह पंचायत अपने आप में एक पौराणिक अपना स्थान बनाता है। इसलिए इस धरती पर चूंकि हम आपके बगल के एमएलए हैं, 5 मिनट में तो हम अपन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि आदरणीय श्रवण कुमार जी को हम अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से और आपकी ओर से ताली बजा करके गड़गड़ा के इनका स्वागत, जिससे इनके जो है आने जाने का जो ताकत है समय से और 10 मिनट पहले आने का काम करें। भाइयों एवं बहनों, भिन्न बिंदुओं पर भिन्न तरीके से अपने अलग से अपने बातों को उन्होंने कहने का काम किया। हम ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहते क्योंकि माननीय मंत्री महोदय जी अपनी बात को रखने का काम करेंगे। भाइयों एवं बहनों, आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय श्रवण कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय हीरा प्रसाद बिंद जी के नेतृत्व में आज भी जो है बिहार और हिलसा की धरती नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों के अनुसार आज धरती पर सारे कार्यक्रमों को उतारने का काम किया जा रहा है। कभी कभी हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से आपसे उनसे बात करने का काम करते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री जी का इलाका है, माननीय श्रवण कुमार जी का इलाका है, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है बिल्कुल अपना ईमानदारी और कर्मठता के साथ हिलसा का जनता को सेवा करने का काम कीजिए। और हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को भी बार बार आपकी बातों को बताने का काम करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से और डायरेक्ट श्रवण कुमार जी से हॉट लाइन पर है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा है, 7 निश्चय और साथ में बाल विवाह दहेज प्रथा पर रोक भी, और सबसे ऊपर जल जीवन और हरियाली, ये ऐसे कार्यक्रम
और जिसकी चर्चा आपने पहले भी किया था, मानव श्रृंखला के माध्यम से हिंसा के लोग हाथ से हाथ जोड़ करके जल जीवन हरियाली का उन्होंने परिचय देने का काम किया था, शपथ खाया था कि बढ़ते हुए जो मौसम के परिवर्तन है, लोग दहशत में है, जेठ में गर्मी पड़ना चाहिए तो पानी पड़ रहा है, जाड़ा में ठंड पड़ना चाहिए तो वर्षा हो रहा है, अजब उलट फेर है। हमारे आने के पहले जो बादल गर्जा, भयानक बादल गर्जा था, हम लोग कह रहे थे कि यह जो परिवर्तन है बिल्कुल मनुष्य को चौंकाने वाला है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जल जीवन हरियाली को सफल बनाना है तो निश्चित तौर पर ग्रामीण विकास विभाग से, मनरेगा से, हर पंचायतों में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जो पौधे रोपे जा रहे हैं उसको कोई हाथ से मचोड़ देते हैं तो कोई उसके जो घेराबंदी है उसको ढकेल देते हैं। ऐसे प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। जल जीवन हरियाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई एक योजनाएं चल रही है, पैन की उड़ाही, तालाब का उड़ाही, खैखत्ता का उड़ाही, नहर का उड़ाही, नदी की सफाई। हम कहना चाहते हैं कि इनके कार्यक्रम में हमको कदम से कदम मिला कर चलने की जरूरत है।